गुड मॉर्निंग हिमाचल। अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय वर्मा ज्वेलर्स सोलन एंड सर्वपल्ली बीएड कॉलेज नोगली रामपुर बुशहर। केंद्र से मदद मांगने दिल्ली जा रहे सीएम सुक्खू, जाने से पहले सिरमौर में लेंगे तबाही का जायजा। हिमाचल में बदलेगा छुट्टियों का शेड्यूल, शिक्षा मंत्री बोले मामले को एग्जामिन करेगी सरकार। पेंडिंग रिजल्ट घोषित करने को निकला रास्ता, लोक सेवा आयोग लेगा चयन आयोग की वेबसाइट का एक्सेस। और अब समाचार विस्तार से। इस साल बरसात ने हिमाचल प्रदेश में जमकर कहर बरपाया है। प्रदेश में लगभग 8000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, लेकिन केंद्र से उसके एवज में उतनी मदद नहीं मिल पाई है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू आज शाम फिर दिल्ली जा रहे हैं। वह केंद्र से 2000 करोड़ की अंतरिम राहत राशि जारी करने का आग्रह करेंगे। हालांकि दिल्ली जाने से पहले सीएम जिला सिरमौर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है दोपहर 1 बजे के करीब मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सीधे सतौन जाएंगे। इसके बाद में सिरमौरीताल राजभवन आदि क्षेत्रों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर पीड़ित लोगों से मिलेंगे। इसके बाद शाम को मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वह दिल्ली में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मिलेंगे। मुख्यमंत्री आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से ज्यादा आर्थिक मदद लाने का प्रयास करेंगे। सर्वपल्ली बीएड कॉलेज एवं राधे राधे वेटनरी फार्मासिस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नोगली रामपुर बुशहर जिला शिमला की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शैक्षणिक सत्र 2023-25 के लिए प्रवेश आरंभ, आज ही संपर्क करें। हिमाचल में स्कूलों की मॉनसून ब्रेक पर पुनर्विचार होगा। इस साल बरसात के कारण हुए नुकसान और खतरे में आए स्कूली बच्चों के कई मामले देखने के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ये बात कही है। शिक्षा मंत्री ने बताया बच्चों के हित को देखते हुए मॉनसून की छुट्टियों के मामले को एग्जामिन किया जाएगा। वह इसके बारे में दोनों शिक्षा विभागों के साथ अन्य स्टेक होल्डर से भी राय देंगे। गौर रहे कि पहले बरसात के दिनों में जुलाई और अगस्त के महीने में 2 महीने की छुट्टियां होती थी, बाद में इस शेड्यूल को बदल दिया गया और इसे पूरे साल में बांट दिया गया। इस कारण अब ये हो रहा है कि जब मॉनसून हिमाचल पहुंचा भी नहीं होता है तो मॉनसून ब्रेक शुरू हो जाती है और जब मॉनसून चरम पर होता है तो स्कूलों की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। इससे बरसात के दिनों में स्कूल जा रहे बच्चे भी खतरे में आते हैं। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद रुके हुए परीक्षा परिणामों को निकालने के लिए रास्ता निकल आया है। राज्य सरकार ने रिजल्ट घोषित करने के लिए 3 पोस्ट कोड लोक सेवा आयोग को दिए थे, लेकिन हमीरपुर आयोग से रिकॉर्ड अधूरा मिलने के कारण आयोग ने सरकार को वापस चिट्ठी लिख दी है। रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को बंद कर दी गई वेबसाइट को बहाल करना जरूरी था। अब राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है और लोक सेवा आयोग भी इस वेबसाइट का लिमिटेड एक्सेस लेने के लिए तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वेटरनरी फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 958, डिस्पेंसर पोस्ट कोड 967, इलेक्ट्रिशियन पोस्ट कोड 973 का रिजल्ट घोषित करने को सरकार ने कहा था, लेकिन रिकॉर्ड अधूरा मिलने के कारण अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अब राज्य सरकार ने आईटी विभाग को निर्देश दिए हैं कि लोक सेवा आयोग को इस वेबसाइट का लिमिटेड एक्सेस दे दिया जाए। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहां मिली? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाएं जब आपके पास है आपके अपने।
वर्मा जोड़ा।